इधर से दिखाओ, इधर से एक रुपये। तो अभी आप देख सकते हैं कि बीजेपी ऑफिस के बाहर से जो है रायबरेखेल के जितने भी टीचर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो यहाँ पे पीसफुल जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सक रहे होंगे स्क्रीन पे लाइव विजुअल्स जो है चैनल वन के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो है रायबरेखेल का अभी जो है बीजेपी ऑफिस के बाहर से निकलता हुआ। और बिल्कुल कोई भी यहाँ पे जो है नारेबाजी नहीं, और ये सिर्फ एक ही गाना जो है गूंज रहा है, वो होंगे हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास हम होंगे कामयाब। आप देख सकते हैं जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी जो है अपने हाथों में वी वांट रेगुलाइजेशन, वी वांट जस्टिस। तस्वीरें में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये अभी हम होंगे कामयाब का जो है गाना यहाँ पे गाया जा रहा है, हम होंगे फ्रीज और पोस्ट। आप देख सकते हैं चैनल वन के ऊपर अभी लाइव विजुअल्स जो है आप देख पा रहे हैं कि अभी ये जो मार्च यहाँ पे पीसफुली जो है ये अभी बीजेपी ऑफिस के बाहर से निकलता हुआ, और एक ही गाना जो है गुनगुनाया जा रहा है हम होंगे कामयाब एक दिन। और ये लंबी कतारें आप देख सक रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको भी, अगर आप सपोर्ट में हैं आरे की, क्योंकि लगातार जो है आज पांचवा दिन जो है प्रोटेस्ट का हुआ है। आज पांचवें दिन भी लगातार इस कड़कती धूप में जम्मू के ये अभी जो है संघर्ष करते हुए अपनी जो है डिमांड्स को लेकर। आप देख सकते हैं जस्टिस फॉर रायबरेखेल, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्टैंड फॉर नेशनल बिल्डर्स। देख किस तरीके से जो है सभी पीसफुली जो है एक ही गाना यहाँ पे गुनगुना रहे हैं हम होंगे कामयाब, साफ तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। और कोई ट्रैफिक भी जाम नहीं कर रहे, बिल्कुल साइड में जो है चल रहे, आप देख सक रहे हैं किस तरीके से बाकी जो है हम चलेंगे साथ साथ, चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, ओ मन है विश्वास। लंबी कतारें आप देख सक रहे हैं अभी जो है बीजेपी ऑफिस से बिल्कुल त्रिकुटा नगर से जो है निकले हैं, और बहु प्लाजा और उसके शांत तरीके से जो है यहाँ पर जा रहे हैं, और डिमांड जो है इनकी है जो है फ्रीज और पोस्ट और डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी, इन्हीं सब चीज़ें इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है रायबरेखेल जो है सड़कों पर है, और सड़कों पर अपनी मांग लगातार जारी। आज पांचवा दिन जो है, पांचवें दिन में भी इस कड़कती धूप के अंदर जो है रायबरेखेल के जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी जो है संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए मर्डर ऑफ आरिकी बाय JKUT, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने जो है हमारा मर्डर किया है, आरिकीज का मर्डर किया है। आप देख सकते हैं जस्टिस फॉर रायबरेखेल पॉलिसी, और यहाँ पर जो है ये पीसफुली जो है एक साइड में रोड की एक साइड में ट्रैफिक भी जाम नहीं कर रहे, साइड में जो है पीसफुली सिर्फ एक ही गाने के साथ हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। और पीछे नहीं जाना होता, आगे बढ़ना होता है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे नहीं बढ़ो। आज कोई नारेबाजी नहीं हो रही, ऐसे तो बहुत हंगामा होता है बीजेपी ऑफिस के बाहर, आज बड़े शांत तरीके से यहाँ से जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो आज हमारा प्लान है कि बहुत पीसफुल हमें जो ये प्रोटेस्ट करना है, और हमारा एक मैसेज देना है इस सोसाइटी को कि हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हैं, और ये एक मैसेज देना है बस, इसीलिए पीसफुल हो रहा है, नारेबाजी नहीं है, ताकि कोई सोसाइटी में डिस्टर्बेंस ना आए। अभी क्या लगता है आपको कि सरकार सुनेगी आपकी इन सब चीज़ों की? उम्मीद है, होप है कि जो है बहुत जल्द ही हमारा फैसला दिया जाएगा, और अच्छा ही फैसला होगा। और ये ऐसा है कि ट्रैफिक को भी जाम नहीं कर रहे, एक बिल्कुल साइड में चल रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है क्या? ये एक्चुअली जो हम लोग है डिफेंस के बाद स्पोर्ट्स का जो है डिसिप्लिन नंबर वन पे आता है, तो हम लोग डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से देखते हैं, अच्छे से जानते हैं, और हम सभी जो है टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं।
थैंक यू। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि टीचर्स जो हैं ये, क्योंकि यही डिसिप्लिन सिखाते हैं बच्चों को, तो ये खुद इनडिसिप्लिन करेंगे तो सही नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि हम डिसिप्लिन से जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं। सरकार को ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि हम इनडिसिप्लिन कर रहे हैं ये, क्योंकि सभी टीचर जो है डिसिप्लिन सिखाते हैं बच्चों को। और आज खुद जो है ये अपनी मांगों को लेकर जो है जम्मू की सड़कों पर है और बीजेपी से गुहार लगा रहे हैं, यूटी गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटर में जो है बीजेपी है और अभी जम्मू कश्मीर के यूटी के अंदर जो गवर्नमेंट है उससे जो है ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो डिमांड्स जो है वो पूरी की जाए। आप देख जी, आपका नाम क्या? जी मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी से हूँ। जी अब बताएं, क्या आज आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से जो है सरकार तक आवाज़ पहुँचेगी? तो क्यों नहीं पहुँचेगी, हम इतना पीसफुल प्रोटेस्ट शायद कोई ही करे, क्योंकि हमने सारे डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए हमने ये रैली निकाली हुई है, जो हमारी रैली डीकॉम से होके पनामा चौक से होकर वापस आई। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं हम उनको तालीम दे रहे हैं। हमें ये इतना ये नहीं था कि हमें गवर्नमेंट रोड में लाएगी, आज हमको गवर्नमेंट ने रोड में लाया है। अगर यही हालात चलते रहे, अगर यही इसी तरीके से चलते रहे, हम सिर्फ 3000 फैमिलीज की तरफ ना देखें, आप हमारे साथ पूरा जम्मू कश्मीर का आम नागरिक है, आम बच्चा है, आम शख्स है, हमारे साथ सब कुछ है। तो हम अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से, जो ऑर्डर उन्होंने निकाला है, जो एक मेमो उन्होंने दिया हमारे ऊपर, उस मेमो को बिल्कुल कैंसिल करें। हम बिल्कुल कंडम करते हैं उस चीज़ को। तो और जो फ्रीज से उन्होंने हमारी पोस्टें जो फ्रीज दी, उनमें एक हमारा एक इस टाइम बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है, उसको डिफ्रीज किया गया है। तो उन पोस्ट को फ्रीज रखा जाए, न कि उनको डिफ्रीज हो। अगर डिफ्रीज होगा तो हमारी सारी भी जितनी जम्मू कश्मीर की आवाम है वो रोड में आएंगे, हम फैमिलीज के साथ रोड में आएंगे, हम पेरेंट्स सब पेरेंट्स के साथ रोड में आएंगे। हम बख्शने वाले नहीं, हम पोस्टों को बिल्कुल अपनी पोस्टों के अपने हक पे कई हद तक जाने के लिए तैयार है। नरेंद्र रैना जी आपसे मिलने आए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा? नरेंद्र रैना से हम 4 सालों से, हम 3 सालों से, पिछले ढाई साल से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमें हमेशा आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन ये दिया जाता है कि आप घबराओ, ये देखो लास्ट में उन्होंने एक फैन की कमेटी हमारे इसके बोलते हैं। क्यों लगता है कि जो है बीजेपी अरविंद रैना जी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो पावर में तो है नहीं? पावर में है, वो कौन बोलता है पावर में नहीं है? अगर एलजी साहब यहाँ पे है, अगर जो जम्मू कश्मीर के 370 तोड़ा तो किसने तोड़ा? हम जम्मू वालों को पागल ना बनाए, हम सुलझे हुए इंसान है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे गड़बड़ हो या कुछ ऐसा वैसा हो। हम सुलझे हुए इंसान है, हमें मेंटल टॉर्चर ना किया जाए, हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन हमारे ऑर्डर को रिवॉक किया जाए, हमारे साथ जो ज्यादती हुई है उस ज्यादती को खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। जी शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं कि पीसफुली प्रोटेस्ट जो है ये लगातार जो है सड़कों पर हो रहा है, और आप ये कतारें देख सकते हैं कि लगातार जो है ये कतार जो है आप देख सकते हैं कितनी लंबी, और कितने लोग जो है इसमें आ रहे के टीचर्स के हैं, सभी जो है इस तड़कती धूप में अपनी मांगों को लेकर जो है सड़कों पर है। और अब ये विजुअल्स जो है आप चैनल जो है वन पे देख रहे हैं, लाइव चैनल वन पे विजुअल्स देख रहे हैं, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आगे फीमेल्स एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं, ये जो आज का प्रोटेस्ट है वो कैसे वो देखते हैं, कैसे क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देखिए लगातार जो है ये जो है बढ़ते हुए त्रिकुटा नगर की रोड से जो है अभी बाहर जो है, क्योंकि बहू प्लाजा से और रेलवे स्टेशन तक ये जो पूरा पीसफुली प्रोटेस्ट चलेगा, और इस गर्मी के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि कितनी गर्मी अभी जम्मू के अंदर है, और सभी जो है अभी अपनी डिमांड्स को लेकर जो है सड़कों पर है। आरके टीचर्स लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं, फ्रीज और पोर्स स्टैंड फॉर नेशन राइबरे हिल विनीड सोसाइटी स्पोर्ट, इस साइड में दिखाई, ये वी नीड सोसाइटी स्पोर्ट रायबरे खेल। ये लोगों से भी जो है जम्मू वालों से ये अपील करना चाहते हैं, अपने घरों से बाहर निकलकर रहबरे खेल टीचर्स की सपोर्ट में सामने आए और एलजी साहब से ये गुहार लगाए कि ये टीचर अपनी जेनुअल डिमांड के लिए यहाँ बीजेपी ऑफिस के बाहर 5 दिनों से गर्मी में धूप में अपने घर को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठे हैं। हमारी एलजी साहब से यही गुहार है कि प्लीज़ हमारे मसले को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, और जम्मू वासियों से हमारी ये गुजारिश है कि वो अपना सपोर्ट
हमें दें और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात मनाने के लिए फोर्स करें कि हम टीचर्स की डिमांड को फुलफिल किया जाए। धन्यवाद। अभी जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उन बच्चों की क्या सपोर्ट है, वो फोन करते हैं कैसे करते हैं कि आप जो है सड़कों पर हैं हम यहाँ पे? जब से ये फिजिकल टीचर्स ने स्कूल में, वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, बट वो लोग उनके पेरेंट्स वो स्टूडेंट्स हमें फोन करते हैं कि सर आपके बिना हमारे हम स्कूल में कोई इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा, मॉर्निंग असेंबली नहीं हो रही है, गेम्स के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। तो वो भी हमें यही आश्वासन देते हैं कि हम भी प्रे करते हैं जिस जिस वो भगवान को मांगते हैं कि हमारे इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व हो और हम अपने घर में वापस जाएं, अपने स्कूलों में वापस जाएं, अपनी ड्यूटीज पे अच्छे से परफॉर्म करना करें। क्या लगता है कि सरकार आपके बारे में कुछ करेगी, सोचेगी क्या है? सरकार 5 दिनों से हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। डिपकॉम जी के पास हमारा 2 बार डेलीगेशन गया, उन दोनों डेलीगेशनों का मैं हिस्सा था, उनकी तरफ से सिर्फ वर्बली आश्वासन आता है, रिटर्न में कुछ नहीं आता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं गवर्नमेंट जो भी डिसीजन हमारे फेवर में दे वो हमें रिटर्न में चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है, गाने जो है बिल्कुल एक ही गाना जो है गुनगुनाया जा रहा है कि हम होंगे कामयाब। और नेशनल फ्लैग जो है फ्रंट पर आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फीमेल्स जो स्टाफ है वो भी लगातार जो है इस संघर्ष में है, घर छोड़कर, बच्चे छोड़कर। आप देख सकते हैं कि रायबरेली खेल के जितने भी फीमेल्स एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अभी जो हैं अपने घरों से बाहर निकल के जो है अपने डिमांड्स जो है यहाँ पर फुलफ़िल करने की जो है डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल हों। और उसके लिए जो सड़कों पर प्रदर्शन अभी हो रहा है इस गर्मी में, आप देख सकते हैं कि जितनी भी फीमेल्स एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी जो है इस प्रोटेस्ट के बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जो है अभी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार तक बात पहुंचा रही है। आज पाँचवें दिन भी लगातार जो है ये संघर्ष इनका जो है वो जारी। चलिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बताएं कि कितने दिन हो गए आज तो, और घर में क्या चल रहा है घर में? सर हमने 5 दिन हो गया है तो हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमारा एक ही नारा है कि हमारा ऑर्डर रिवोक किया जाए और हमें रिटर्न में दिया जाए ऑर्डर हमारा। तो घर में अभी बात होती क्योंकि 5 दिन से आप यहाँ पे हो, घर में बच्चे भी होंगे, घर में और भी बाकी लोग होंगे, कैसे क्या क्या बोलते? बड़ा मुश्किल है सर, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई हूँ, मैं अपने 10 महीने की बेटी को घर में छोड़ा होगा मैंने, तो मेरे लिए इतना मुश्किल है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी एलजी सरकार से यही गुहार है कि प्लीज़ एलजी साहब आप अगर सुन रहे हैं तो इस बेटी की आवाज़ सुनिए, हमारा ऑर्डर रिवोक करिए और हमारा जो हमारा हक है वो हमें रिटर्न में दीजिए। थैंक यू। आप देख सकते हैं रिटर्न की मांग की जा रही है कि ऑर्डर जो है वो रिटर्न में हमें दे, और ये लगातार जो है संघर्ष आप लाइव विजुअल्स जो देख रहे हैं चैनल 1 के ऊपर। फिलहाल सुरेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर जल्द होगी किसी और खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए बने रहे चैनल 1 के साथ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।